आप सभी जानते हो कि जो मेरा देश है वो विश्व में पहले स्थान पर हो, और मैं भी चाहता हूं कि जो मेरा देश है वो विश्व में पहले स्थान पर हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मेरा देश है वो विश्व में पहले स्थान पर होगा? अगर आज की जनरेशन को देखकर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में पहले स्थान पर होगा। तो उसके कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है? उसमें से एक कारण मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वो कारण कुछ इस प्रकार है। जो फर्स्ट कारण है वो क्या है, वो लाइंस के थ्रू बताऊंगा आपको कि ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। अपनी माँ की सेवा नहीं होती, अपनी माँ की सेवा नहीं होंगी, पत्थरां दियां मावां दी जयकारे लाउंदे आ। ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। दुख वेले डॉक्टरां वैद्यां नूं कौन पुछदा? दुख वेले डॉक्टरां वैद्यां नूं कौन पुछदा? ये तां पखंडी बाबयां तों फांडे करवाउंदे आ। ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। अब आप देखते हो कि घर में कोई बीमार है तो वो डॉक्टर में जाने की बजाय पखंडी बाबू को फांडे कराना सही समझेंगे। यानी आज के टाइम में डॉक्टर नहीं, सिर्फ बाबे पे जाना है, मत्था टेक के आना है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं। और उसके बाद अपनी मानू घरों कढ, अपनी मानू घरों कढ, ये तो पत्थरां दियां मावां घर बनाउंदे आ। ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। अब आप ये भी देखते हो कि कुछ ऐसे हैं जो घर का बंटवारा हो चुका है और वो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। बेचारी, काफी माएं तो ऐसी भी हैं जो अनाथ आश्रम में हैं, उनका अलग से आश्रम है वहाँ है, और जो उनके जुआक हैं वो घर में पत्थर की माँ को पूजते हैं। यानी अपनी माँ को तो घर से निकाल देते हैं, अपने घर में सुख देखने के लिए, सुख लाने के लिए पत्थर की माँ को पूजते हैं। अरे, अगर सुख लेना है तो प्लीज अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि अपनी माँ की सेवा करोगे तब आपको सुख मिलेगा, तब आपको फील होगा कि हाँ मेरी एक अच्छी फैमिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन थी, नेक्स्ट लाइन कुछ इस प्रकार है। कर पामे खान ली दाना भी ना होवे, कर पामे खान ली दाना भी ना होवे, ए तां मंदिरां मस्जिदां विच दान करके आउंदे आ। ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। हुण आप ये भी देखते हैं कि मंदिर मस्जिद पहले से इतने ज्यादा भरे हुए हैं पैसों से, काफी एक एक दिन का पता नहीं कितना कितना पैसा चढ़ता है। लेकिन वो क्या करते हैं, किसी गरीब को देने की बजाय अगर गरीब ने किसी ने 1 रुपये मांग लिया, उससे 10 रुपये मांग लिए, उसको नहीं देंगे। जहां गोलक भरा पड़ा है, जहां भरा पड़ा है वो वहीं ही डाल के आएंगे, गरीब की हेल्प नहीं करते। तो प्लीज उनकी भी हेल्प कीजिए। तो नेक्स्ट कुछ अपनी स्टूडेंट्स लाइफ पे है। स्टूडेंट्स पे कैसे कि काफी अभी पीके फिल्म आई थी, एक पीके रिलीज हुई थी, पीके में कुछ ऐसे ही दिखाया था कि स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम में क्या है कि पीके ने, आमिर खान जो एक्टर थे, उन्होंने एक पत्थर लिया, पत्थर पे कुछ वो सिंदूर वगैरह लगाया और वहाँ कुछ 1-2 रुपये रखा। उसके बाद जो बच्चे स्टूडेंट्स थे वो पेपर देने के लिए जा रहे थे, वो हम मत्था टेक टेक के, एक साइड में चाय वाला था, चाय वाले के इतने पैसे नहीं बन रहे थे जितने उस भगवान के बन रहे थे। यानी सब क्या है, उल्टा चल रहा है हमारे देश में। अब वो क्या है, भगवान पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसा ही कुछ था कि पेपरां दे वेले पेपरां नूं देन जाइए, तां हुण देखो पेपरां नूं देन जाइए तां कोई ना करदा इत्थे तैयारी, पेपरां नूं देन जाइए तां कोई ना करदा इत्थे तैयारी, ए तां सब रब ते आसां रख के जांदे आ। ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जाते हैं। हुण
देखो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी पेपर देने के लिए जाते हैं वो बस भगवान पे आश रखे जाते हैं कि भगवान पास कर देना, मैं आपको 10 रुपये का 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। और अरे भाई जब तक आप नहीं लिख के आओगे तो कैसे पास होगे? ये तो है ना कि अगर आप तैयारी करके जाओगे तब पास होगे, भगवान उसमें आपका कुछ नहीं करेगा जब आप बिना तैयारी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। तो नेक्स्ट कुछ लाइन ऐसे है, ए दुनिया वालों अपने मन विच झांक के देखो, जिन्हां ने शहीदियां पाइयां उन्हें देखो ऐसे देखो कि ए दुनिया वालों अपने मन विच झांक के देखो, जिन्हां ने शहीदियां पाइयां ए पखंडी बाबे उन्हां दे नां तों सानू लुट्टी जांदे आ, ये देश है पीर फकीरां दा, इत्थे पत्थर पूजे जांदे आ। उन जितने भी हमारे पूर्वज थे वो शहीद हुए और उन शहीदों के नाम पर आज के जो पखंडी बाबे हैं वो हमें लूट रहे हैं। जो पूर्वज शहीद हुए थे उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि आगे मैं किसी में आऊंगा और आगे मेरे आगे किसी में भूत होगा मैं उसका भूत निकालूंगा, नहीं ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। हाँ अच्छे काम किए थे, अच्छे कर्म किए थे, अच्छे कर्म का फल आज तक उनको मिल रहा है, आज तक उनको याद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे नाम पर आप ये पखंड करना। तो कुछ लाइंस ऐसी थी और इसके बाद और भी लाइंस हैं।